नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक कंपनी में काम करते समय दो युवक ने कथित तौर पर मजाक के दौरान वहां काम कर रहे एक अन्य मजदूर के गुप्तांग में एयर कंप्रेसर का पाइप डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी आंतें फट गईं। अत्यंत गंभीर हालत में पीड़ित मजदूर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना फेज 3 के प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी ने बताया कि सेक्टर 63 में स्थित एक कंपनी में काम करने वाले संदीप नामक युवक के गुप्तांग में वहां काम करने वाले अंकित तथा गौतम नामक दो लोग ने एयर कंप्रेसर का पाइप लगा दिया, जिसकी वजह से उसके शरीर में हवा भर गई और आंते फट गईं। उन्होंने बताया कि गंभीर हालत में पीड़ित को नोएडा प्रकाश अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां पर डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया है। उसकी हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित के भाई ने थाना फेज 3 में मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।